सर एक नारी निकेतन में जो लड़कियां मांगी है उसमें क्या कार्रवाई की गई? हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है और अगर संबंधित विभाग की भी कोई नेग्लिजेंस मिलती है उसके भी कर्मचारियों और अधिकारियों के ऊपर एक्शन लिया। तो ये क्या पाया गया है, वो लड़कियां किस केस में थी और कैसे भागी? कल ही हमने मुकदमा दर्ज किया है, मामले की जाँच। तो भागी कैसे, दीवार बांध कर? जैसा कि मैंने कहा कि मामले की जाँच चल रही, जो भी फैक्ट आएंगे उसको आप। सीएम सिटी करनाल में स्थित हरियाणा का एकमात्र नारी निकेतन संस्थान एक बार फिर से विवादों में है। एक बार फिर से यहां पर अधिकारियों व कर्मचारियों की लापरवाही से दो लड़कियां यहां से फरार हो गई। इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं, महिला आश्रम के पीछे जो हरियाणा का एकमात्र नारी निकेतन संस्थान है वहां पर खड़े हैं और उसके बाहर कर देख सकते हैं। अगर बात करें तो ये कोई पहला ऐसा मामला नहीं है जब यहां से जो है लड़कियां फरार हुई हैं। इससे पहले भी कई बार यहां की कई घटनाएं जो है सामने आ चुकी हैं जिसमें यहां से लड़कियां जो है भाग गई या यहां पर जो है संदिग्ध परिस्थितियों में कई लड़कियों ने जो है आत्महत्या तक की, लेकिन आज तक जो है किसी भी दोषी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके बाद से जो है लगातार यहां से लड़कियों के भागने का सिलसिला जो है जारी है। और दो लड़कियां जो भागी हैं उनमें से एक लड़की जो है गुड़गांव से आई थी, दूसरी जो है रेवाड़ी से आई थी। 2014 में 2015 में जो है ये लड़कियां यहां पर आई थी और जिसके बाद जो है कल ये गेट खुला पाकर अधिकारियों की लापरवाही के चलते जो है यहां से फरार हो गई, जिसके बाद करनाल की थाना सिविल लाइन पुलिस ने जो है मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक फरार हुई लड़कियों के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।